कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। आपको मालूम है जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो और अदर थिंग्स, कार्बन से बने हैं, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें कार्बन से बनी है, इसमें दिया है टेक्सटाइल दिया है, डाई दिया है, ठीक है, प्लास्टिक सिंथेटिक दिया है, सोप दिया है, डिटर्जेंट होता है, फूड, ये सब क्या है, कार्बन से बना। कार्बन क्या है, एक एलिमेंट है जिसका सिंबल है सी, नॉन मेटल है। अर्थ क्रस्ट में केवल 0.02% पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स, और बाकी 0.03% इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, काफी कम पाया जाता है अर्थ के क्रस्ट में और एटमॉस्फेयर में, ठीक है। ऑल लिविंग थिंग्स, अभी हमने जो बोला था, ऑल लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, सभी कार्बन से मिलकर बने। फूड मटेरियल देख लो, ग्रेन्स, पल्सेस, शुगर, टी, ये सब मटेरियल देख लीजिए, जैसे कॉटन, सिल्क, वुल, नायलॉन, पॉलिस्टर। आपके फ्यूल देख लीजिए, चाहे वो वुड, कोल, कैरोसिन, एलपीजी हो, पेपर, रबर, प्लास्टिक, ड्रग्स, दवाइयां, डाइस, ये सब कार्बन कंपाउंड, ठीक है। तो आपको मालूम है कि आपके पीरियोडिक टेबल में नियरली 115 एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन को छोड़ के बचे 114। उन 114 के जितने कंपाउंड्स बनते हैं उससे ज्यादा कंपाउंड केवल कार्बन के बनते हैं, क्यों, क्योंकि उसकी कुछ स्पेसिफिक फीचर होता है, अभी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये कार्बन का बना है कि नहीं, हम उसको जलाएंगे तो क्या होगा, आपको मालूम है कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, लेकिन आपको कैसे पता ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है, लाइम वाटर से आप पास कर दोगे, मिल्की हो गया तो कंफर्म, मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस था, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना कार्बन से, इसका मतलब कंफर्म ये कार्बन कंपाउंड है, ओके। आपको मालूम है दो तरह के बॉन्डिंग होती है, एक होती है आयनिक बॉन्ड्स और एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड्स। आयनिक बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गिव एंड टेक करके, हम पहले भी पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में, सोडियम एक आयन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है तो Na+ बन जाता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके नेगेटिव बन जाता है, इनके बीच में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, पॉजिटिव नेगेटिव, ये दोनों चिपक जाते हैं और ये कंपाउंड बनते हैं जिनको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड, ठीक है। हम आयनिक कंपाउंड नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवेलेंट कंपाउंड्स बनता है जब दो एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। अब कोवेलेंट बॉन्ड्स में याद रखना इक्वल शेयरिंग, ये नहीं कि आपके पास ज्यादा है तो आप ज्यादा मिला दो, ऐसा नहीं, इक्वल शेयरिंग। सबसे पहले हम लोग सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन के बीच में कैसे बॉन्ड बनते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। आपको मालूम है हाइड्रोजन के पास कितना एटम होता है, एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉन 1, तो अंडरस्टूड है वो दे तो सकता ही नहीं है ना, शेयर कर सकता है, उसने अपना एक पूल किया, ठीक है, इसने अपना एक पूल किया और 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। फर्स्ट हाइड्रोजन ने सोचा कि ये 2 मेरे कंप्लीट, सेकंड ने सोचा ये मेरे कंप्लीट, दोनों के बीच में इक्वल शेयरिंग, 1-1 शेयर किया, इसको बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 6, कितने कम पड़ रहे हैं, 2, तो 4 अपने यहां रखेगा और 2 को शेयर करेगा। सेकंड ऑक्सीजन भी ऐसे ही करेगा, 4 अपने एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को यहां रखा, उसने 2 पूल किया, याद रखना इक्वल शेयरिंग, ठीक है। तो फर्स्ट वाले ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, उसने सोच लिया मेरे 8 कंप्लीट, सेकंड सोचेगा ये मेरे 8 कंप्लीट, तो इक्वल शेयरिंग है और वो भी 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, इसको बोलते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स, मतलब 2 ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, राइट। इसमें आयंस नहीं होते, आयंस तो गिव एंड टेक में होते हैं, ये तो कोवेलेंट बॉन्ड्स। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5,
कितने की जरूरत है उसको? थ्री की जरूरत है तो अपने टू यहाँ रखेगा, ये थ्री उसने फूल किया। सेकेंड ने भी अपने टू यहाँ रखा, ये टू रखा और थ्री उसने फूल किया, तो बीच में हो गए सिक्स। सिक्स प्लस टू एट, फर्स्ट के कंप्लीट, सिक्स प्लस टू एट सेकेंड के कंप्लीट, दोनों के बीच में क्या बन गए? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। जिस तरह से हाइड्रोजन का सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, उसी तरह से फ्लोरीन का भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, एक एक शेयर कर लेते हैं। तो आपने देखा ये हो गया H2, ये हो जाएगा Cl2, ये हो जाएगा O2, ये हो जाएगा N2। आपको याद है ना, ये सब कंपाउंड्स की एटोमिसिटी, इन सब की एलिमेंट्स की एटोमिसिटी टू होती है, तो हमेशा टू में मिलते हैं। ये हमने कोवेलेंट बॉन्ड्स किसने किसमें पढ़े? हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है ना। अब इसके बाद कोवेलेंट कंपाउंड्स, कोवेलेंट बॉन्ड्स किसमें पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? कार्बन। कार्बन हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है, इट इज टेट्रावेलेंट, फोर वेलेंसी है इसकी। डिटेल में हम इसको स्टडी करते हैं। आपको पता है एटॉमिक नंबर कार्बन का होता है सिक्स, कॉन्फ़िगरेशन 2.4, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? फोर। उसके पास दो तरीका है, या तो फोर दे दे या फोर ले ले। तो फोर देना भी आसान नहीं है, फोर लेना भी आसान नहीं है। तो ये गिव एंड टेक नहीं करता, बल्कि ये क्या करता है? शेयर करता है, और शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड्स बनता है, ठीक है। देखिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? सिक्स। फर्स्ट ऑर्बिट में टू और सेकेंड ऑर्बिट में फोर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। फोर इलेक्ट्रॉन्स है तो वो मान लीजिए एक हाइड्रोजन से शेयर कर लिया, इसने दूसरे हाइड्रोजन से एक शेयर कर लिया, तो फोर हाइड्रोजन ने एक एक शेयर कर लिया, तो ये क्या बन गया? कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है। ये तो हम लोग CH4 मतलब मीथेन की बात कर रहे हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लोग आगे देखने वाले हैं। सेल्फ कंबाइनिंग कैपेसिटी, देखिए इतने सारे कंपाउंड्स कार्बन के क्यों बनते हैं? ड्यू टू टू रीजन। फर्स्ट इज टेट्रावेलेंसी, शॉर्ट नोट आता है राइट, शॉर्ट नोट ऑन टेट्रावेलेंसी। एंड सेकेंड इज कैटिनेशन। सेल्फ कंबाइनिंग कैपेसिटी इज कॉल्ड कैटिनेशन। तो कार्बन की एक ऐसी कैपेसिटी होती है कि बहुत लंबी लंबी चेन बना लेता है, एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ कार्बन्स मिलकर लॉन्ग चेन। कभी वो स्ट्रेट चेन बना लेता है, कभी वो ब्रांच्ड बना लेता है, कभी दोनों तरफ ब्रांचेज हो जाते हैं, कभी वो साइड सर्कल बना लेता है। तो इस वजह से इस जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग बोलते हैं कैटिनेशन। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट नोट में आता है। तो थोड़ा सा आप इसकी थ्योरी और ये चेन चेन्स जो बने हुए हैं ना, इनको भी बना देंगे तो इट इज सफिशियंट। अकरेंस ऑफ कार्बन, कार्बन हमें कैसे मिलता है? फ्री स्टेट में भी मिलता है, कंबाइंड स्टेट में। फ्री स्टेट में आपको मिलता है इन द फॉर्म ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट, लेकिन फ्री स्टेट में बहुत कम मिलता है, और कंबाइंड स्टेट में हमें बहुत ज्यादा मिलता है कार्बन। फ्री स्टेट में बहुत कम मिलता है, डायमंड ग्रेफाइट कम मिलता है, बाकी कंबाइंड स्टेट में क्या है? कंबाइंड स्टेट में कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में मिलता है, कार्बोनेट्स के फॉर्म में, फॉसिल फ्यूल, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, वुड, कॉटन, वुल, इतने सारे कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स जो हैं कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, और बहुत कम मिलता है फ्री स्टेट में। फ्री मतलब सीधा सीधा डायमंड या ग्रेफाइट मिल गया। नेक्स्ट इज एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। आपके कोर्स में डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरेसेंस है, जिसको हम बोलते हैं बकमिंस्टर फ्लोरेसेंस। इसके अलावा भी एलोट्रोप्स होते हैं, जैसे कि नैनो ट्यूब और ग्राफीन, ये हमारे कोर्स में नहीं है, ठीक है ना। तो व्हाट आर एलोट्रोप्स? एलोट्रोप्स आर द वेरियस फिजिकल फॉर्म्स। तो फिजिकल फॉर्म्स, किस फिजिकल फॉर्म में आपको कार्बन मिलता है? डायमंड के फॉर्म में, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फ्लोरेसेंस के फॉर्म में। देख लीजिए, डायमंड तो बहुत कॉमन है, आप सबको पता है, ग्रेफाइट भी पता है और बकमिंस्टर फ्लोरेसेंस
फ्लोरेसेंस इस तरह से दिखता है, डिटेल में एक एक को डिस्कस करेंगे। डायमंड ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस, क्वाइट हैवी, डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। डेंसिटी बहुत ज्यादा होने की वजह से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, लाइट इसमें सबसे ज्यादा बेंड होती है। इट इज एक्सट्रीमली हार्ड, और अगर हम इसको बहुत स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे तो कार्बन का है, प्योर कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड बनके उड़ जाएगा। और क्योंकि इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर भी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। बीच में एक कार्बन और चारों तरफ फोर वैलेंसी होती है ना, कार्बन उससे जुड़ते हैं जो फर्दर जुड़ जाते हैं, तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं टेट्राहेड्रल। ये काफी स्टेबल स्ट्रक्चर है, इस वजह से ये काफी स्ट्रॉन्ग होता है, इट इज एक्सट्रीमली हार्ड। और कोई भी एक इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ही तो फ्लो होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो करंट कंडक्ट नहीं करेगा, इट विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यूजेस कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ग्लास कटर, सॉ, मार्बल कटिंग के काम आएगा, ज्वेलरी बनाने के काम आएगा, आई सर्जन इससे कैटरैक्ट को रिमूव करने के काम में भी लेते हैं, और आर्टिफिशियल भी डायमंड बनाया जाता है व्हेन प्योर कार्बन इज सब्जेक्टेड टू वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। नेक्स्ट इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आप सब पेंसिल लेड यूज किए हैं, सबको पता है ग्रेफाइट इज, इट इज ग्रेइश ब्लैक ओपेक सब्सटेंस। सेम अगर ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो, क्योंकि प्योर कार्बन का है, कार्बन डाइऑक्साइड बन के उड़ जाएगा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देखिए, हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं, अलग अलग लेयर। फर्स्ट लेयर देखिए हेक्सागोनल रिंग है, इनके बीच में क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड्स, और ये जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं ये काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। लेकिन दो लेयर के बीच में जो डॉटेड लाइन दी है ये क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो दो लेयर आपस में जो है वो वीक कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ी हुई है, इस वजह से क्या होता है, ये दो जो लेयर हैं वो आपस में स्लिप हो जाते हैं। स्लिप होने की वजह से इसको हम लोग यूज करते हैं एज अ लुब्रिकेंट, ठीक है। ड्यू टू द स्ट्रीट लाइक शीट लाइक स्ट्रक्चर इट इज सॉफ्ट। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पाउडर्ड ग्रेफाइट को हम लोग लुब्रिकेंट यूज कर सकते हैं, कहां पर, कोई ऐसी मशीन है जहां पर बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही हो, अगर हम लोग ऑयल या कोई दूसरा लुब्रिकेंट डालेंगे तो वो बह जाएगा, टिकेगा ही नहीं, और लुब्रिकेशन तो चाहिए क्योंकि वहां पर मशीन मूव हो रही है, तो उस केस में हम लोग पाउडर्ड ग्रेफाइट को यूज करते हैं एज अ लुब्रिकेंट, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई होता है, इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हम इसको यूज करते हैं एज एन इलेक्ट्रोड। देख लीजिए ये कार्बन ट्राई सेल में कार्बन की रॉड डली हुई है, तो वी आर यूजिंग कार्बन एज एन इलेक्ट्रोड इन ड्राई सेल एंड इलेक्ट्रिक आर्क, ठीक है। जहां बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास करना है तो वहां पर इलेक्ट्रोड जो है वो हम सिर्फ ग्रेफाइट का ही बनाते हैं। देखिए लुब्रिकेंट में, ड्राई सेल में, पेंसिल लेड में, और जो स्पेस शटल के पार्ट्स जहां पर एयर रेजिस्टेंस के कारण बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, उसके पार्ट्स भी हम लोग ग्रेफाइट के बनाते हैं। बकमिंस्टर फ्लोरेसेंस, ये एक एलोट्रोप है कार्बन का, बिल्कुल फुटबॉल जैसे शेप का होता, जैसे मैंने आपको ऊपर अभी दिखाया था, बिल्कुल फुटबॉल के शेप का। इट इज अ क्लस्टर ऑफ 60 कार्बन मिलकर एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर, फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। इट इज डार्क सॉलिड, नाइदर वेरी हार्ड नॉर वेरी सॉफ्ट। नेक्स्ट, कार्बन के कंपाउंड्स को ही हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। अब हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बहुत सारे कंपाउंड्स पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन, जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके कंपाउंड्स बनते हैं उन लोग को हम बोलते हैं हाइड्रो।
कार्बन्स और हाइड्रोकार्बन की जो नेमिंग होती है वो होती है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। वन कार्बन को बोलते हैं मिथ, टू को बोलते हैं एथ, थ्री को प्रॉप, फोर को ब्यूट, फाइव को पेंट, सिक्स को हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, एल्कल ग्रुप प्लस फंक्शनल ग्रुप, टोटल टोटल नंबर ऑफ कार्बन इतने होने चाहिए। तो हाइड्रोकार्बन जो है हम लोग पढ़ेंगे तीन टाइप के, एल्किन, एल्कीन, एल्काइन। जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने उसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, मीथेन, इथेन, ये सब बहुत वैरायटी आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल सोर्स हाइड्रोकार्बन का क्या है? पेट्रोलियम। आपने पढ़ा होगा क्रूड ऑयल जो निकालते हैं हम लोग पेट्रोलियम, पेट्रोलियम को क्या करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, उससे हमें एलपीजी ऊपर सबसे ऊपर मिलेगा एलपीजी, उसके नीचे मिलेगा पेट्रोल, उसके नीचे मिलेगा केरोसिन, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, एस्फाल्ट, ये सब मिलता है ना, ये सब हाइड्रोकार्बन, कार्बन कंपाउंड। अब अगर हम लोग हाइड्रोकार्बन को पढ़ेंगे तो वी विल डिवाइड इनटू थ्री कैटेगरी, एल्केन, एल्केन्स जिनमें केवल सिंगल बॉन्ड होता है जिनको हम लोग सैचुरेटेड बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड मतलब सैचुरेटेड, उसको हम बोलते हैं एल्केन्स। जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, डबल से दो ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं। देखिए ये टेबल में वन कार्बन मीथेन, टू कार्बन इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, इसको हम लोग अगर पूरा स्ट्रक्चर बनाए तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। ठीक है, और अच्छा स्ट्रक्चर हम लोग नेक्स्ट टेबल में देखेंगे। ये देख लीजिए, मीथेन मतलब वन कार्बन, आपको मालूम है अगर वन कार्बन है तो वन कार्बन की वैलेंसी फोर होती है, तो 1 2 3 4 चार हाइड्रोजन से जुड़ेगा, ये स्ट्रक्चर बन गया। तो अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोलेगा तो ये बनाना स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला बोलेगा तो ये लिख देना, बस बहुत है, इसको तो लिखने की जरूरत भी नहीं है, ये क्यों लिखे हम लोग। अगर केमिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलेगा तो ये लिखेंगे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोलेगा तो ये लिखेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलेगा तो अलग से अपन उसको पढ़ लें। तो वन कार्बन मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ल्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, पूरी सीरीज बनेगी, पूरा होमोलोगस सीरीज है ना, होमोलोगस सीरीज एक जैसा, सभी के हाइड्रोजन कार्बन से डबल से दो ज्यादा हैं, तो ये कहलाएगा एल्केन्स, होमोलोगस सीरीज एल्केन्स। अनसेचुरेटेड में दो आएगा, एक आएगा एल्कीन और एक आएगा एल्काइन्स। एल्कीन में होते हैं डबल बॉन्ड, एल्काइन में होते हैं ट्रिपल बॉन्ड, इन दोनों को ही अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड। पहले हम देख लेते हैं एल्कीन, एल्कीन वो होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड होता है। एल्कीन्स में डबल बॉन्ड होते हैं, जनरल फॉर्मूला CnH2n, जितने कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन। डबल बॉन्ड याद रखना, डबल बॉन्ड केवल फर्स्ट टू कार्बन के बीच में ही डबल बॉन्ड होता है, उसके बाद कहीं डबल बॉन्ड नहीं, सारे सिंगल 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 बॉन्ड। ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, बनाने को आ सकता है एग्जाम में, और ये इसका केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, हाइड्रोजन का नंबर ठीक डबल, क्योंकि क्योंकि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड केवल दो कार्बन के बीच में हो सकता है, इसलिए इसका फर्स्ट मेंबर ही टू कार्बन से स्टार्ट होता है, वन कार्बन का कोई मेंबर नहीं होता। ठीक है ना, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन एंड सो ऑन। स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाने में मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी, फर्स्ट टू कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। मान लीजिए हम लोग प्रोपीन बना रहे हैं, प्रोपीन फर्स्ट टू कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, उसके बाद सिंगल, फिर वैलेंसी पूरी फोर कंप्लीट कर दीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 8 4, 1 2 3 4, सब जगह हाइड्रोजन लगा दीजिए, बस कर।
नेक्स्ट इज एल्काइंस. एल्काइंस मतलब ट्रिपल बॉन्ड. केमिकल फॉर्मूला CnH2n-2. डबल से दो कम, जितने भी कार्बन हैं उसके डबल से दो कम होता है हाइड्रोजन. याद रखना पहले दो कार्बन के बीच में ही ट्रिपल बॉन्ड होगा और उसके बाद सारे के सारे, देखो पहले दो कार्बन के बीच में ही ट्रिपल बॉन्ड है, उसके बाद सारे सारे सिंगल 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 बॉन्ड. मान लीजिए मैंने, देखो फर्स्ट वन कार्बन का तो बनता ही नहीं क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड जो है दो कार्बन के बीच में बन सकता है. इथीन प्रोपीन ब्यूटीन पेंटीन. मान लीजिए मैं पेंटीन का स्ट्रक्चर बनाना आपको सिखा रहा हूँ, तो दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया और फिर 1, 2 कार्बन 3, 4, 5. इस कार्बन की वैलेंसी 3 हो गई, ये 4, इसकी 3+4 पहले से कंप्लीट है, इसकी 1, 2 हो गई 3, 4, इसकी 1, 2, 3, 4, इसकी 1 हो गई 2, 3, 4, बाकी सब जगह हाइड्रोजन लगा दीजिए. इतना इजी है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना. ठीक है, नेक्स्ट आ रहे हैं एल्कल ग्रुप. एल्कल ग्रुप में एल्केन से एक हाइड्रोजन कम कर लीजिए. अभी हमने एल्केन पढ़ा ना, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन. क्या होता, कार्बन हाइड्रोजन कितना है, डबल से दो ज्यादा. यहाँ एक हाइड्रोजन कम कर लेंगे तो 2n+1, ये हो जाएगा एल्कल ग्रुप का फर्स्ट मेंबर मिथाइल. CH4 नहीं, 4 से एक कम 3, है ना. इथेन होता है C2H6, एक कम कर दो. एक हाइड्रोजन कम करने से क्या होगा, उसकी एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी. जैसे कि ये कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, हमने 3 जगह हाइड्रोजन लगा दिया और एक वैलेंसी फ्री है, वो किसी के साथ में अटैच हो जाएगी, किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ में अटैच हो जाएगी, है ना. ये स्टेबल नहीं है, कंप्लीट नहीं है, इसकी एक वैलेंसी फ्री. इसी तरह से बाकी सब में देखिए, एक हाइड्रोजन हमने एल्केन से एक हाइड्रोजन कम कर दिया, इसका मतलब एक वैलेंसी फ्री है, ये किसी के साथ में अटैच हो जाती है, हो सकती है, इसको हम बोलेंगे एल्कल ग्रुप. इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको एग्जाम में बनाने को आ सकता है. मीथेन इथेन इथीन इथाइन. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एग्जाम में बनाने को आ सकता है, बहुत इजी है. फर्स्ट कार्बन बीच में लिख दिया, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, उसने 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने फ्री किए. हाइड्रोजन की 1 की जरूरत है, दूसरे हाइड्रोजन को भी 1, नेक्स्ट और नेक्स्ट सभी हाइड्रोजन को एक एक की जरूरत है. बस ऐसे ऐसे सर्कल कर लीजिए ताकि हाइड्रोजन अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर ले. और यहाँ पर हम एक बड़ा सर्कल बना देंगे कि ये कार्बन कार्बन ने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, हाइड्रोजन भी स्टेबल और कार्बन भी स्टेबल. बस इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, मीथेन इथेन इथीन इथाइन. इथीन में देखिए दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होते, डबल बॉन्ड होते मतलब डबल बॉन्ड तभी होगा जब डबल शेयरिंग हो. तो दो शेयर यहां कर दिया और एक एक यहां शेयर करेगा. इस कार्बन ने दो शेयर कर दिया, एक एक यहां शेयर करेगा. ये हाइड्रोजन 1 शेयर करेगा, ये हाइड्रोजन 1 शेयर करेगा. 4 हाइड्रोजन लगेंगे जो एक एक शेयर करेंगे. इन हाइड्रोजन के ये कंप्लीट और इस तरीके से यहां से पूरा लंबा सर्कल बना देंगे तो कार्बन का, कार्बन का एक मिनट, यहां से ये कंप्लीट और इसका यहां से ये कंप्लीट, है ना. एक मिनट, गलती हो गई, बड़ा वाला सर्कल जो है गलत बना दिया. 2+4+4, 8 इस कार्बन की कंप्लीट हुई, 4+4, 8 इस कार्बन की कंप्लीट हो गई और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड. इसी तरह से आप इथाइन भी बना लें. इथाइन में क्या है, ट्रिपल कोवेलेंट. ठीक है, तो 3 यहां शेयर किया, 1 यहां, इसने 3 शेयर किया, 1 यहां. यहां हाइड्रोजन 1 शेयर करेगा, यह हाइड्रोजन 1 शेयर करेगा. इस हाइड्रोजन का कंप्लीट, इस हाइड्रोजन का कंप्लीट, इस कार्बन का ये कंप्लीट, नेक्स्ट कार्बन का
ये कंप्लीट इस तरह से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप बना लो, ठीक है। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक का केमिकल फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बोलते तो हैं हम लोग एन, लेकिन ये एल्केन फॉर्मूला नहीं बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा CnH2n, क्योंकि जब सर्कल बनता है तो क्या होगा कि स्टार्टिंग और एंडिंग जो है वो फ्री नहीं होंगे कि उसमें हाइड्रोजन जुड़ेंगे, तो टू हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। साइक्लो जो एल्केन्स है सिक्स से कम या उससे ज्यादा से भी बन सकता है, जैसे देखिए थ्री कार्बन है फर्स्ट नंबर, इस कार्बन की वैलेंसी टू है, दो हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, इधर दो हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, इधर दो हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो कार्बन कितना है, कार्बन है थ्री और हाइड्रोजन कितना हो गया सिक्स, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, साइक्लो ब्यूटेन, ठीक है ना। मीथेन इथेन ब्यूटेन, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, तो थ्री का नाम क्या पड़ेगा, प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, इसका नाम पड़ेगा साइक्लोप्रोपेन, इसका नाम क्या पड़ेगा, साइक्लोपेंटेन, टू टू हाइड्रोजन सब में जुड़ जाएगा सिंपली, है ना। और ये क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। मैं इतना लिख नहीं रहा हूं, टाइम नहीं है, लेकिन आपको अंडरस्टूड है ये, ठीक है ना। तो साइक्लो में ही, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में ही एक और अनसेचुरेटेड आता है जिसको हम बोलते हैं बेंजीन। बेंजीन बिल्कुल हेक्सागोनल रिंग है, ठीक है, साइक्लोहेक्सीन की जैसा, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये है कि अल्टरनेट में डबल और सिंगल, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, और बाकी फिर इस कार्बन की थ्री वैलेंसी फिल हो गई, एक हाइड्रोजन लगेगा, सभी में एक हाइड्रोजन लगेगा, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेंजीन। शॉर्ट में हम लोग ऐसा स्ट्रक्चर बना देते हैं, तो ये एक सिंबल हो गया बेंजीन का शॉर्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बेंजीन बनाने को आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आइसोमर्स, ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, उसको आइसोमर, फॉर्मूला सेम होना चाहिए, मतलब साइक्लो नहीं बनेगा, याद रखना साइक्लो में फॉर्मूला चेंज हो जाता है, अगर सिंगल चेन बनाओगे तो नॉर्मल कहलाता है, और अगर एक तरफ आप ब्रांच कर देते हो तो हम उसको आइसो बोलते हैं, है ना। तो आइसोमर्स हम पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ देखिए वो बोल रहा है कि आइसोमर्स इज पॉसिबल ओनली विथ फोर और मोर, वन टू थ्री के आइसोमर नहीं बनेंगे, फोर या फोर से ज्यादा, अगर वो ब्यूटेन है तो टू आइसोमर बनेंगे, पेंटेन में थ्री आइसोमर बनेंगे, हेक्सेन में फाइव आइसोमर बनेंगे। अगर आपको एग्जाम में आ जाए कि आइसोमर्स बनाइए, तो पेंटेन एक है नॉर्मल सिंगल चेन बना लिया, एक तरफ एक ब्रांच बना दी सिंपल एक ब्रांच, इसको बोलते हैं आइसो, और अगर दोनों तरफ आपने ब्रांच बना ली तो इसको बोलते हैं नियो। आई होप आपको क्लियर है, ठीक है। सर इसका साइक्लिक भी बन सकता है, तो केमिकल फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, अच्छा, तो फॉर्मूला बोल रहा है, फॉर्मूला चेंज नहीं होना चाहिए, फॉर्मूला सेम होता है, साइक्लिक में फॉर्मूला डिफरेंट हो जाता तो साइक्लो नहीं बने, तो तीन चीज बनेगी, या तो नॉर्मल बनेगा, या फिर एक ब्रांच, या फिर दोनों तरफ। होमोलोगस सीरीज, तो अभी तक जो हमने देखा एल्केन एल्कीन एल्काइन, ये क्या थे, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज एक ग्रुप होता है और सारे के सारे मेंबर्स जो हैं कुछ प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं। व्हाट आर दोज प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी की पूरी सीरीज का एक जनरल फॉर्मूला होता है, जैसे एल्केन में था CnH2n प्लस टू, एल्कीन में CnH2n, एल्काइन में CnH2n, एक जनरल फॉर्मूला होना चाहिए पूरी की पूरी सीरीज का, उसको ही होमोलोगस सीरीज बोलेंगे, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट मेंबर से सेकंड मेंबर में जाएंगे वन कार्बन और टू हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, और
क्योंकि वन कार्बन का मास 12 होता है, टू हाइड्रोजन का मास 2 होता है, तो कंजिक्यूटिव आप एडजेसेंट मेंबर्स में जाएंगे तो 14 यू मास इंक्रीज हो जाएगा। पूरी की पूरी सीरीज की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, लेकिन जैसे जैसे आप मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है, उनकी केमिकल, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती है। जैसे जैसे मास बढ़ता जाएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगे। तो ये हो गए 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो होमोलोगस सीरीज में और भी होते हैं। हम लोग बेसिकली अब पढ़ने जा रहे हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के अंदर में आएगा अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल और एक और है हैलो, हैलो मतलब हैलोजेंस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। इसके कुछ रूल्स भी हैं आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग, वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। अल्कोहल मतलब OH, एल्डिहाइड मतलब CHO, लेकिन C डबल बॉन्ड O से और सिंगल बॉन्ड H से, स्ट्रक्चर ऐसा है। कीटोन्स बीच में CO होता है दोनों तरफ, उसकी वैलेंसीज होती है और डिटेल में अभी पढ़ेंगे। और कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, ये है फंक्शनल ग्रुप। और डिटेल में देखते हैं। देखिए हम लोग ने क्या लिया है, 3 कार्बन। 3 कार्बन का नाम पड़ता है प्रोटीन, लेकिन हमने क्लोरीन लगाया है। तो याद रखना कि हैलोजेंस में जो नाम है वो प्रीफिक्स होता है, क्लोरीन नहीं, क्लोरो, ब्रोमो, आयडो, इसका नाम पड़ेगा क्लोरो प्रोपेन। अगर ब्रोमीन लगेगा तो ब्रोमो प्रोपेन। प्रोपेन कहां से आया, 3 कार्बन एटम है ना, तो नाम आएगा प्रोपेन, ब्रोमो प्रोपेन। अल्कोहल में अकॉर्डिंग टू IUPAC सफिक्स करते हैं OL, ठीक है, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। एल्डिहाइड में AL, प्रोपेनल। टोटल कार्बन गिनेंगे, यानी कि एल्कल का अलग, फंक्शनल करा, फंक्शनल में तो 1 कार्बन है पहले से, तो हमें 2 कार्बन और जोड़ने हैं, बस इसी को ध्यान रखना। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 नाम पड़ेगा प्रोपेन और सफिक्स लगेगा AL, प्रोपेनल। जबकि प्रीवियस में देखो कि फंक्शनल ग्रुप OH है और 3 कार्बन जोड़ रहे हैं, इसमें क्या जोड़ रहा है, C3H7 जोड़ रहा है इसमें OH में, है ना, C3H7OH में जुड़ रहा है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 नाम पड़ेगा प्रोपेनल। जबकि यहाँ पर C2H5 जुड़ रहा है इसमें CHO में, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 प्रोपेनल। कीटोन्स हमारे कोर्स में सिर्फ इतना ही है कि बीच में CO होता है और दोनों तरफ उसके एल्कल ग्रुप जुड़ते हैं। ये दोनों एल्कल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और अलग भी। बीच में CO और दोनों तरफ उसकी वैलेंसी होती है। मान लीजिए दोनों तरफ CH3 जुड़ा तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन हो गए 3, नाम पड़ेगा प्रोपेन और इसका सफिक्स होता है ओन, प्रोपेन। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, फंक्शनल ग्रुप में 1 कार्बन पहले से है, हम सिर्फ इसमें C2H5 जोड़ रहे हैं किसमें, COOH में। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3, नाम पड़ेगा प्रोपेन और सफिक्स जुड़ेगा ओएक एसिड, प्रोपेनोएक एसिड। एल्कीन और एल्काइन्स तो हम डिटेल में पहले ही पढ़ चुके हैं, उसको और डिस्कस नहीं करें। सैचुरेटेड जो कार्बन होते हैं वो बहुत अच्छे से जलते हैं, नॉन सूट फ्लेम मतलब बिल्कुल भी कार्बन नहीं निकलता, अनबर्न कार्बन नहीं होते, कौन से, सैचुरेटेड एल्केन्स। हम लोग LPG में क्या यूज करते हैं, एल्केन, है ना, ब्यूटेन। तो वो उसमें हमें एयर से ही बर्न होता है, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, और नॉन सूट, कोई अनबर्न कार्बन नहीं होते, ब्लू फ्लेम के साथ में बढ़िया जलता है। हाँ, हमें एयर की सप्लाई अच्छी चाहिए, उसके लिए गैस स्टोव में खूब सारे टाइनी होल्स होते हैं,
ताकि एयर की सप्लाई अच्छी रहे, सफिशियंट ऑक्सीजन मिलेगा और वो कंप्लीटली जल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपने देखा होगा कभी कभी जो है बर्तन काले हो रहे हैं, वो इस वजह से कि उसके होल्स जो है ब्लॉक हो गए, तो आप वो उनके होल साफ करा देंगे तो सफिशियंट ऑक्सीजन मिलेगा एयर के थ्रू ही, अलग से हमें सप्लाई नहीं करना है। ये आपने पढ़ा सैचुरेटेड। अब हम अनसैचुरेटेड की बात कर रहे हैं। अनसैचुरेटेड जो है वो एयर के साथ में येलो फ्लेम के साथ में जल, सूट फ्लेम, इसमें कार्बन निकलता, अनबर्न कार्बन, इसका मतलब ये कंप्लीट कंबशन नहीं हो रहा है। अनबर्न कार्बन निकलेगा तो क्या होगा, स्मोक भी निकलेगा, ब्लैक ब्लैक, प्लस बर्तन भी काले हो जाएंगे। लेकिन अगर इसको हम लोग प्योर ऑक्सीजन सप्लाई कर दें तो बढ़िया जलेगा ब्लू फ्लेम के साथ में। और यही रीजन है कि जो गैस वेल्डिंग होती है उसमें हम एसिटिलीन के साथ में एयर नहीं बल्कि प्योर ऑक्सीजन यूज करते हैं। दो सिलेंडर होता है, एक एसिटिलीन का, उसका एसिटिलीन कॉमन नेम है इथाइन का, है ना, दूसरा सिलेंडर होता है ऑक्सीजन का। तब ऑक्सीजन के साथ में ये अनसेचुरेटेड जो है वो कंप्लीटली बंद करता है, ठीक है, और अब कोई सूट प्रोड्यूस नहीं होता। देयर इज नो अनबर्न कार्बन, इट बर्न्स विद अ ब्लू फ्लेम। इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है कि मेटल्स भी मेल्ट हो जाते हैं, वेल्ड हो जाते हैं, ठीक है। इनकम्प्लीट कंबशन के डिसएडवांटेजेस क्या है, अनबर्न कार्बन, अनबर्न कार्बन क्या करेंगे, पॉल्यूशन करेंगे, वेसल्स को ब्लैकन करेंगे, चिमनीज को ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि वो कार्बन ना जमा होता जाता है, ठीक, वो ब्लॉक कर देगा चिमनी को, बाद में जाकर धीरे धीरे करके कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट एंड लाइट। जब ओनली कार्बन हो, अगर हम हाइड्रोकार्बन लेते हैं जैसे कि मीथेन, तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट एंड लाइट। उसी तरह से हमने ये क्या ले लिया है, इथाइल अल्कोहल, अल्कोहल भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट एंड लाइट। रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है, आप बैलेंस कर रहे, ठीक है। तो हमने कार्बन भी बता दिया और एक हाइड्रोकार्बन मीथेन भी बता दिया और एक अल्कोहल भी ले लिया, तीनों का कंबशन रिएक्शन पढ़ लिया, ठीक है। ये कौन सा रिएक्शन था, कंबशन रिएक्शन। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो हाइड्रोकार्बन, वो भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो क्या होता है, देखिए रिएक्शन में एक मीथेन है, क्लोरीन से रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्लोरीन एक हाइड्रोजन को क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, है ना। एक हाइड्रोजन यहां से निकल गया और क्लोरीन अटैच हो गया, देखिए इस तरह से। पहले क्या था, चारों तरफ हाइड्रोजन था, ये मीथेन था, और आपने क्या किया, Cl2, है ना, क्लोरीन, तो ये क्लोरीन यहां जाकर अटैच हो जाएगा और हाइड्रोजन यहां, तो आपका ये क्या बन गया, मिथाइल क्लोराइड, ठीक, और दूसरा HCl। ये है क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट एडिशन रिएक्शन। तो जो अनसेचुरेटेड होते हैं वो एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, अनसेचुरेटेड, ठीक। अनसेचुरेटेड मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड, तो देखिए बीच में डबल डबल बॉन्ड है और ये क्या है, ये कोई एल्काइल ग्रुप है, ये ऐसे आसानी से रिएक्ट नहीं करता, इसको चाहिए कोई कैटलिस्ट, वेरी हाई टेम्परेचर प्रेशर कैटलिस्ट, और हाइड्रोजन इसमें ऐड होगा, इसकी डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी। भाई बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए एनर्जी तो चाहिए, और केवल एनर्जी से नहीं काम चलेगा, हमें कैटलिस्ट भी चाहिए। तो इसकी डबल बॉन्ड ब्रेक होकर सिंगल बॉन्ड बन जाएगी और जो बॉन्ड फ्री होंगे वहां पर ये हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, इसको हम लोग एडिशन रिएक्शन कहते हैं। ऑल्सो हाइड्रोजनेशन, देखिए रिएक्शन ऑफ इथीन विद हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं। इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और पैलेडियम कैटलिस्ट, और आप पहले भी पढ़ चुके हैं चैप्टर
वन में शायद, कि प्योर वेजिटेबल घी किससे बनाते हैं? वेजिटेबल ऑयल से। वेजिटेबल ऑयल्स क्या है? अनसेचुरेटेड है। अनसेचुरेटेड को हम लोग हाइड्रोजनेशन करते हैं, ये बन जाता है सैचुरेटेड। इट इज नॉट हेल्दी। ऑयल्स आर ओके इन एडिक्वेट क्वांटिटी। ज्यादा तो ऑयल भी हेल्दी नहीं है, लेकिन जो सैचुरेटेड फैट है, ये वनस्पति घी जो बना रहे हैं हम लोग, ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं, लेकिन अच्छा लगता नहीं। बाकी सर जो ऊपर रिएक्शन था सर उसमें आर क्या था? आर मीन्स एल्कल ग्रुप। CH3 भी हो सकता, C2H5 भी हो सकता, 3CH7 भी हो सकता, कुछ भी हो सकता, जनरल फॉर्मूला है। यस ओके, कहाँ पहुंचे? हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। देखिए, ग्रानट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल क्या है? अनसेचुरेटेड। इनमें डबल बॉन्ड होते हैं। और वेजिटेबल ऑयल्स अनसेचुरेटेड हैं, गुड फॉर हेल्थ। गुड फॉर हेल्थ इन एडिक्वेट क्वांटिटी। ऐसा नहीं कि खूब, है ना, रोज रोज खा रहे पूरी, है ना, ऑयली चीजें, तो हेल्दी नहीं होती है किसी भी चीज। लेकिन लेकिन इससे हम क्या बनाते हैं? वेजिटेबल घी, सेचुरेटेड फैट, वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता, ध्यान रखें। इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल को हम लोग इथेनॉल बोलते हैं। इथाइल अल्कोहल इज द कॉमन नेम एंड दिस इज द IUPAC नेम। ये सेकंड मेंबर, तो फर्स्ट मेंबर क्या था? मिथनॉल, CH3OH। वो इंपॉर्टेंट मेंबर नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं पढ़ रहे। इंपॉर्टेंट मेंबर है इथेनॉल। इथेनॉल तो इतना इंपॉर्टेंट मेंबर है कि इथेनॉल को ही हम लोग कई बार अल्कोहल के नाम से जानते हैं, है ना, ठंडा मतलब कोका कोला। इतना पॉपुलर है ये कि हम इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल और प्रोपाइल अल्कोहल ना बोलकर हम क्या बोलते हैं? अल्कोहल। अल्कोहल मतलब क्या मांग रहे हैं हम लोग? इथाइल अल्कोहल। इट इज सो कॉमन एंड इंपॉर्टेंट मेंबर। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला आपको पता ही है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, प्लेजेंट स्मेल। इट इज वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब अगर छोड़ देंगे तो इवेपोरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट लो, लाइटर देन वाटर, वाटर के ऊपर फ्लोट करेगा। मिक्सेस विद वाटर इन ऑल प्रपोर्शन, पूरे वाटर में मिक्स हो जाएगा। ऑयल मिक्स नहीं होता, ये मिक्स हो जाएगा। लाइटर देन वाटर बट मिक्सेस विद वाटर इन एनी प्रपोर्शन, अच्छे से मिक्स हो जाता है। 100% प्योर इथेनॉल को एब्सोल्यूट एल्कोहल बोलते हैं। एब्सोल्यूट मतलब 100%, उसमें कुछ भी पानी नहीं मिला है। ठीक है, 100%, क्योंकि जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स होते हैं उसमें 100% अल्कोहल नहीं होता, समझ रहे हैं आप? आगे हम पढ़ेंगे। 100% प्योर अल्कोहल इज कॉल्ड इथेनॉल, इज कॉल्ड एब्सोल्यूट। इट इज न्यूट्रल, मतलब ना एसिडिक ना बेसिक। ठीक है, किससे बनाते हैं? शुगर केन से जो जूस बनता है उससे हम लोग शुगर क्रिस्टल्स निकाल लेते हैं। शुगर क्रिस्टल्स निकालने के बाद एक ये डार्क लिक्विड, स्टिकी लिक्विड बचता है, जिसमें अभी भी थोड़ा सा शुगर है लेकिन क्रिस्टल्स नहीं निकाल सकते। इसको बोलते हैं मोलासेस। मोलासेस को हम लोग पतला करते हैं और उसको फिर फर्मेंट करते हैं, जिससे बनता है इथाइल अल्कोहल। ठीक है, और इट बर्न्स विद अ ब्लू फ्लेम। अच्छा अच्छा फ्यूल है ये इथेनॉल। इट इज हाईली इनफ्लेमेबल। इट प्रोड्यूसेस लॉट ऑफ हीट। इट इज अ क्लीन फ्यूल। मोलासेस को हम लोग 30% पतला करके फिर उसमें क्या डाल देते हैं? यीस्ट, जिससे हो जाता फर्मेंटेशन। ठीक है, एक केमिकल चेंज होता है जिससे वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। इट इज यूज्ड मिक्स्ड विद पेट्रोल एंड यूज्ड एज अ फ्यूल। पावर पेट्रोल आजकल मार्केट में आ रहा है, उसमें मिक्स कर देते हैं। ठीक है, और माइलेज वगैरह इंक्रीज
पाई गई है, लेकिन उसके लिए आपका इंजन जो है रेडी होना चाहिए। इथाइल अल्कोहल कहाँ यूज होगा? पेंट्स में, सॉल्वेंट्स, बहुत सारे सॉल्वेंट्स, मतलब ये डिजोल्व हो जाता है। मान लीजिए पेंट लग गया आपके हाथ पे, छुटाना है तो इससे आसानी से छूट जाए, ठीक है। मेडिसिन में भी डलता है, टिंचर ऑफ आयोडीन, कॉफ सिरप्स में डलता है। फ्यूल पेट्रोल के साथ में मिक्स करके अल्कोहलिक ड्रिंक्स में यूज होता है। देखिए 100% हमने पढ़ा था एब्सोल्यूट अल्कोहल, अलग अलग जो परसेंटेज में अलग अलग अल्कोहलिक ड्रिंक्स में अलग अलग परसेंटेज में डलता है। 100% नहीं होता, कोई नहीं पी सकता, है ना। और उसके अलावा सैनिटाइजर तो आप सबको पता ही है, है ना, सैनिटाइजर एज अ सैनिटाइजर यूज होता है। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ड्रिंकिंग, ये नाम हमारे नर्वस सिस्टम को स्लो कर देता है, हमारी डिसीजन मेकिंग जो स्लो हो जाती है, जिससे एक्सीडेंट हो सकता है, क्वारलसम, चिड़चिड़ा हो जाता है आदमी, लड़खड़ाता है, हाँ। और भूख पीने से, महंगी महंगी शराब पीने से फाइनेंशियल लॉस भी होता है, और दिवालिया। और उसके अलावा हेल्थ अगर ज्यादा पिया तो हेल्थ पे भी बहुत बुरा असर हो सकता है, एंड even lead to death. Denatured alcohol. Denatured alcohol मतलब क्या है ये? Yes. देखिए इथाइल अल्कोहल तो बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए अल्कोहल जो है, इथाइल अल्कोहल, इट इज द मेन इंग्रेडिएंट। इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए बहुत जरूरी है, इसके लिए गवर्नमेंट ड्यूटी फ्री देती है, लेकिन इसका मिसयूज ना हो जाए उसके लिए वो क्या करते हैं, उसमें पॉइजनस सब्सटेंस लाइक मिथनॉल, मिथाइल पैराडीन, कॉपर सल्फेट डाल देते हैं, इससे वो क्या हो जाता है, पॉइजनस, अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, ताकि इसका मिसयूज ना हो पाए, ठीक है। क्योंकि इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए ड्यूटी फ्री, इस पे कोई टैक्सेस नहीं लेते गवर्नमेंट, ठीक है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, हमने देखा अभी, इथनोइक एसिड जिसको हम लोग बोलते हैं एसिटिक एसिड, इसका फर्स्ट मेंबर क्या आएगा, HCOOH, दैट इज फॉर्मिक एसिड। यहां ध्यान देना, यहां पर R नहीं जुड़ा, CH3 एल्केल नहीं जुड़ा है, केवल हाइड्रोजन जुड़ा है। और सेकेंड मेंबर होता है आपका इथनोइक एसिड CH3COOH, कलरलेस, सार टेस्ट, एसिड है ना ये, तो एसिड तो सार होता है, और इसी से हम विनेगर बनाते हैं पतला करके, तो स्मेल लाइक विनेगर, बॉइलिंग पॉइंट इज लो, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट लो होने की वजह से जब हम इसको फ्रीज में डालते हैं तो ये जम जाता है बिल्कुल बर्फ जैसा, ऑल्सो नोन एज glacial acetic acid, it is miscible with water. क्योंकि ये क्या है, एसिड है, एसिड आपको पता ही है टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर में, एक वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ एस्टर या फिर एस्टरीफिकेशन। इथनोइक एसिड प्लस इथेनॉल गिव्स एस्टर, ध्यान से देखना, ये क्या है, C2H5, है ना। तो अगर मैं एक हाइड्रोजन यहां कर दूं तो ये CH3 वही सेम हो गया, है ना। इथनोइक एसिड और इथेनॉल को जब रिएक्ट करेंगे तो बीच से क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल टूट जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल कब टूटेगा, क्योंकि हमने वहां डाल दिया है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर को रिमूव करने के काम आता है। ये एक वाटर मॉलिक्यूल यहां से रिमूव कर देगा और बाकी ये पूरा पूरा जुड़ जाएगा, देख लीजिए CH3CO और बाकी ये पूरा एज इट इज यहां पर जुड़ गया। इस कंपाउंड को बोलते हैं एस्टर। एस्टर इज स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस जो कि
केक बनाने में फ्रूट एसेंस और दूसरे जगहों पर यूज किया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया है, फ्रूट ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर को रिमूव करने के काम आता है, वाटर मॉलिक्यूल बीच से हट जाएगा और ये पूरा पूरा जुड़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। अगर पानी से अकेले हाथ धोएंगे तो हाथ साफ नहीं होने वाले, हम लोग सोप यूज करते हैं। ठीक है, सोप यूज क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें क्लेंजिंग एक्शन होता है। अब ऐसा क्या होता है सोप में कि जिससे हमारे हाथ साफ हो जाते हैं, कपड़े साफ हो जाते हैं? व्हाट इज सोडियम, व्हाट इज सोप? सोप इज सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड या फिर लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोलिक एसिड बोल सकते हैं। फिर से सुनना ध्यान से, व्हाट इज सोप? सोप इज सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। हायर फैटी एसिड, हायर फैटी एसिड नहीं बोलना है तो लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां देखिए जरा, एक इसका एग्जांपल दिया, ये क्या है, C17H35, ये है R एल्कल ग्रुप, और एल्कल के साथ में क्या जुड़ा है, COONA, RCOONA। ये जो RCOOH होता है, इसके साथ में जब सोडियम रिएक्ट करेंगे तो ये हाइड्रोजन को रिमूव करके यहां पर जुड़ जाता है, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड, या फिर आप लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बोल सकते हैं। आपने नोटिस किया ये कार्बन का नंबर 17 और 17 2 34 + 1, ये एल्कल ग्रुप है, लेकिन हायर फैटी एसिड कार्बन का नंबर 17 या उससे ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। ठीक, ये हो गया R, बाकी क्या बचा, COONA। ठीक है, सोप्स किससे मैन्युफैक्चर करते हैं, वेजिटेबल ऑयल से, कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में हम उसको ट्रीट करते हैं। ऑयल सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हीट करेंगे तो सोप प्लस ग्लिसरॉल बनेगा, ग्लिसरॉल इज अ बाय प्रोडक्ट, यूजफुल है, हम इसको अलग से सेल कर सकते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोप इज नोन एज सोपनिफिकेशन, इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जाम में आता है। तो सोप्स बनाने के लिए आपको वेजिटेबल ऑयल चाहिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, सोडियम क्लोराइड चाहिए, तो आप क्या करिए कि ऑयल ले लो, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दो, उसको हीट करो, हीट करने के बाद उसमें थोड़ा सा सोडियम क्लोराइड डाल दिया, अच्छे से मिक्स हो गया, ठंडा हो गया, उसको हम लोग उसमें थोड़ा सा क्या डाल सकते हैं, टेलकम पाउडर या फिर बेसन, ताकि वो हार्ड सेट हो जाए, उसके बाद आप उसको काट काट के सोप बार बना लीजिए। स्ट्रक्चर ऑफ सोप मैंने आपको बताया था, सोप में एक होता है हेड सोडियम पॉजिटिव और एक लॉन्ग आयनिक टेल होती है, ये कहीं लिखा है टैडपोल जैसा स्ट्रक्चर होता है। टू पार्ट, एक है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट और दूसरा है शॉर्ट आयनिक पार्ट। लॉन्ग लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट और दूसरा है ये शॉर्ट आयनिक पार्ट। ठीक है, शॉर्ट आयनिक पार्ट ये, और ये है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट। ये दो पार्ट से मिलकर बना है टैडपोल जैसा स्ट्रक्चर। जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है वो क्या है, हाइड्रोफोबिक, फोबिया डर, वाटर रिपेलिंग, वाटर से तो रिपेल करता है लेकिन, बट इट इज सॉल्युबल इन ऑयल एंड ग्रीस, ऑयल और ग्रीस को पकड़ लेता है। ये जो टेल है वो ऑयल ग्रीस को, ऑयल या ग्रीस को ये पकड़ लेता है, और जो आयनिक पार्ट है वो है हाइड्रोफिलिक, वाटर अट्रैक्टिव, वो वाटर में डिजोल्व हो जाता है। ठीक, लिमिटेशंस, क्योंकि हार्ड वाटर सबको पता है, हार्ड वाटर में कुछ सॉल्ट होते हैं, और सॉल्ट अगर होंगे तो क्या होगा, सोप वेस्ट होगा, झाग नहीं बनेगा, तो वो क्या होता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्कम। सो सॉल्ट से मिक्स होकर इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है जिसको बोलते हैं स्कम। पहले
पहली चीज तो आपका सोप यहाँ वेस्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में क्या होता है, ये जो स्कम है, ये स्कम कपड़ों से चिपक जाता है और फर्दर उसको क्लीन करने में और परेशानी करता है, झाग नहीं बनता, ठीक है। तो हार्ड वाटर से सोप को वॉश करना मुश्किल काम है। इसके लिए फिर नेक्स्ट क्या आएगा, डिटर्जेंट। पूरी दुकान है यहाँ, जो पसंद है ले लो। डिटर्जेंट्स आर सोपलेस सोप, वाटर डिटर्जेंट, डिटर्जेंट्स आर सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। याद कर लो, वाटर डिटर्जेंट्स सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसमें भी वही होती है क्लेंजिंग प्रॉपर्टीज। लेकिन एक क्वेश्चन आता, व्हाई इज डिटर्जेंट बेटर देन सोप, उसको हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे। देखिए ये डिफरेंसेस आ गए यहाँ पर। तो सोप इज सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, जबकि यहाँ है इट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फर्स्ट डिफरेंस, नॉट सूटेबल विद हार्ड वाटर, इट कैन बी यूज विद हार्ड वाटर, इट इज बायोडिग्रेडेबल, नॉट बायोडिग्रेडेबल। सोप होता है वीक जबकि डिटर्जेंट होते हैं स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो वॉट आर द एडवांटेजेस ऑफ डिटर्जेंट्स, स्ट्रॉन्ग क्लेंजिंग एजेंट, इसमें जो कास्टिक ज्यादा डला होता है, इट इज स्ट्रॉन्गर क्लेंजिंग एजेंट, सॉल्युबल इन हार्ड वाटर में भी काम कर लेगा, है ना, एंड सॉल्युबल इन वाटर, मोर सॉल्युबल इन वाटर देन सोप। तीन प्रॉपर्टीज हैं इसकी। अगर क्वेश्चन आए कि व्हाई इज डिटर्जेंट बेटर देन सोप, तो आपके पास थ्री पॉइंट्स है लिखने के लिए। डिसएडवांटेजेस, इट इज बायो नॉन बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ये इसकी एक डिसएडवांटेज है। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये मैंने यहाँ पर मैटर लिखा है इम्पॉर्टेंट। तो ये क्या है, सोप का एक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं हम लोग मिशेल, तो आपको ये बनाने को आएगा एग्जाम में। सेकंड जो फिगर है ये काफी बड़ा है, ये बता रहा है कि ये क्लोथ से डर्ट अट्रैक्ट है, फिर ये सोप आया, सोप का जो आयनिक जो पार्ट है वो डर्ट से अट्रैक्ट करके उसको फिर थोड़ा सा एजिटेट कर रहे हैं, तो वो उसको निकाल रहा है, वो खींच के उसको निकालेगा, टोटली पानी में चला जाएगा, और जो उसका जो हेड है, हेड क्योंकि वाटर अट्रैक्टिव होता है, वाटर में डिजोल्व हो जाएगा और इस तरह से कपड़े से निकल जाएगा। यहाँ देखिए जरा, मोस्ट डर्ट इज ऑयली इन नेचर, ऑयल डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप, आयनिक जो पार्ट है वो क्या होता है, वो इंटरैक्ट विद द ऑयल, ऑयल से अटैच हो जाता है। देख लीजिए इसका जो आयनिक पार्ट है, जो टेल पार्ट है, वो चारों तरफ से डर्ट को अट्रैक्ट कर लेता है। दिस फॉर्म्स अ स्ट्रक्चर कॉल्ड मिशेल, ये ऊपर जो स्ट्रक्चर है हमारा, ये मिशेल स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा आपको एग्जाम। वन एंड इज टुवर्ड्स द ऑयल, कौन सा, टेल, और जो आयनिक एंड है वो आउटसाइड है। इट फॉर्म्स इमल्शन, इमल्शन जैसा फॉर्म हो जाता है, ठीक है, ये टोटली जो है वो क्लोथ से बाहर आ गया, डर्ट को टेल ने पकड़ लिया, सारे हेड्स बाहर, बाहर जो हेड है वो इट इज वाटर अट्रैक्टिव। द मिशेल हेल्प्स इन पुलिंग आउट द डर्ट इन द वाटर, और फिर हम लोग जो उसको क्लीन करेंगे तो वो डर्ट को लेके निकल जाएगा, ठीक है।